आज का हमारा टॉपिक क्या है, वेस्क्यूलर मालफॉर्मेशन। ये टॉपिक भी बिल्कुल जैसे बाकी सब तरीके से नाम में ही समझ आ रहा है। वेस्क्यूलर का मतलब नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ये चीज क्लियर हो रही है। फिर व्हाट द मीनिंग ऑफ मालफॉर्मेशन, मालफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द बॉडी ड्यू टू एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक और फीटल डेवलपमेंट। जब आप एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज में थे, तब आपके अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो गया, उसको मालफॉर्मेशन बोलते हैं। वो कहीं पर हो सकता है, वेस्कुलर मालफॉर्मेशन यानी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स का मालफॉर्मेशन, यानी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। अब ये टॉपिक हम पढ़ किसके अंदर रहे हैं, बोले न्यूरो सर्जरी के अंदर। तो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होनी है तो वो कहाँ होंगी, आपके ब्रेन के लेवल पे होंगी या स्पाइनल कॉर्ड पे होंगी। तो वेस्कुलर मालफॉर्मेशन हो कहीं भी सकता है। वेस्कुलर मालफॉर्मेशन के अंदर तीन मेन हेडिंग पढ़ेंगे, हर्ट में भी होता है। हर्ट में पढ़ दो ना, वेना कावा और आर्च ऑफ हर्टा के बीच में होता है मोस्ट कॉमन। तो वेस्कुलर मालफॉर्मेशन बॉडी में बहुत जगह होता है, मगर हम अभी ब्रेन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हम न्यूरो सर्जरी पढ़ रहे हैं। तो मालफॉर्मेशन की डेफिनेशन मैंने फिर एक बार बोलता हूँ, क्या बोलिया, स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स इन द बॉडी ड्यू टू एबनॉर्मल कौन सी स्टेज, एम्ब्रियोटिक और फीटल डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल स्टेज के टाइम पे, ठीक है। अब ये तीन चीज में चलते हैं, वेस्कुलर मालफॉर्मेशन तीन स्टेजेस में हो सकता है, तीन स्टेज का, सॉरी स्टेज नहीं, टाइप्स बोलो, तीन टाइप में होता है, जिसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा पाने वाला जो स्टेज है वो है आपका एवीएम, आर्ट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन। बोले ये क्या है फिर आर्ट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन, अभी दो और पढ़ेंगे छोटे छोटे से, उनको भी अच्छे से समझेंगे, मगर पहले हम थोड़ा और आर्ट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, कंप्लीटली पढ़ेंगे पूरा इसका। पहले तो हम दो, पहले तीन टाइप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम दो टाइप है वो सब टाइप है उनको नहीं पढ़ेंगे। मेन हमारा है आर्ट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन, उसकी हम फीचर्स, सारे इन्वेस्टिगेशंस, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट, इंडिकेशन और मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, सब कुछ वेस्कुलर मालफॉर्मेशन के, जो आर्ट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो वेस्कुलर मालफॉर्मेशन आर डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ वेस्क्यूलर सिस्टम इन दी इंट्राक्रेनियल वेस्कुलेचर। अब ये जरूर लिख के आना, इन द इंट्राक्रेनियल वेस्कुलेचर, क्यों, क्योंकि जो वेस्कुलर वर्टी वो बॉडी में बहुत जगह पे होती है, बहुत जगह पर। आप पर्टिकुलर एग्जाम किसका है तो वो लिखना, वहां पर इंट्राक्रेनियल वेस्कुलेचर लिखना जरूरी है, क्योंकि उसको समझ आना चाहिए कहाँ का लिख रहे हो। तो ये एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, कौन कौन से है, एक पहला है हमारा आर्ट्रियो वीनस, दूसरा है कैवर्नस मालफॉर्मेशन, पहला आर्ट्रियो वीनस, दूसरा कैवर्नस और तीसरा होता है कैपिलरीज, ठीक है। तो तीन लेवल पे अलग 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 पढ़ेंगे इसको, तीनों पे। पहले हम पढ़ते हैं आर्ट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एबीएम, एबीएम क्या होता है, एबीएम इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, एबनॉर्मल क्लस्टर, गुच्छा होता है ना कि तीन चार एक दूसरे में एकदम टेंगल्ड है, अपन होता है ना कि कोई भी चीज टेंगल्ड हो गई है, उलझ गई है, जैसे अपन चार्जर के वायर्स वगैरह देखते हैं, अपने ईयरफोन्स वगैरह देखते हैं तो एकदम उलझ जाते हैं, तो उसी तरीके से होता है कि एवीएम इज एबनॉर्मल क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन और स्पाइन दैट कैन कॉज क्या, डिवास्टिंग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। एबनॉर्मल क्लस्टर बन गया है, अभी हम समझेंगे उसको, जो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लेके आता है। प्रॉब्लम क्या करता है कि ब्लड इज कैरिड आउट टू द ब्रेन थ्रू आर्टरी एंड इम्प्रिटेड थ्रू वेन। अब कोई भी चीज है कि ब्लड हमारे जो ब्रेन पे ब्लड आ रहा है वो आर्टरी के थ्रू आता है और खाली किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू होता है। अब इन्हीं में प्रॉब्लम हो जाती है, बोले क्या हो जाती है, देखो सिंपल सी समझते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे आर्टरीज और वेन्स, हमें पता है कि सब एक दूसरे के साथ टेंगल्ड होके चलते हैं क्योंकि सब पास पास में चल रही है, तो कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब वो बन रही होती है तो एक दूसरे में, जैसे सपोज ये आपकी आर्टरीज आ रही है, ठीक है, अब ये आपकी आर्टरी गई, अब इन्हीं में टेंगल्ड होके वेन्स चली गई आपकी, ये आपकी वेन्स हैं, ठीक है, अब ये एक दूसरे में आपस में टेंगल्ड मतलब चल रहे, ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, टेंगल्ड हो सकती है, मैं मान रहा हूँ जगह कम है, बहुत बार हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम फिर कब आएगी, बोले सर प्रॉब्लम जब आएगी कि जब ये आर्टरी की वॉल है, ठीक है, ये आर्टरी की वॉल है और उसी से जस्ट चिपक के वॉल है किसकी, बोले वेन्स की। आपको ड्रॉ कर रहे होगा स्क्रीन पे, हाँ, आपको विजन क्लियर नहीं हो रहा, ये चल नहीं रहा, नहीं नहीं वो आ नहीं रहा कुछ, और किसी को भी नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा है सर, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, एक बार फिर से आप इन करके आउट करो आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां तक अभी विजन क्लियर है, तो क्या मैं बोल रहा हूं, ये आर्टरी है, आर्टरी की हमें पता है कि आर्टरी की ये आपके क्या होती है, लाइनिंग होती है, या फिर उसकी क्या समझ लो, वॉल समझ लो, और उसी के जस्ट बगल से वेन्स निकल रही हैं, आप खुद देख रहे हैं वेन्स बिल्कुल बगल से हैं।
अब क्या हो जाता है कि इनकी जो मॉल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो आर्टरीज की ये जो दीवार है या फिर जो उसकी लाइनिंग है ये कमजोर रह जाती है, और वेन्स की भी अभी आपस में एकदम और टेंगल्ड तो होती है, ये आपस में एक दूसरे चिपक जाती है। तो इससे क्या हो गया, बोले जो ब्लड वेन्स के थ्रू आ रहा था, जो ब्लड वेन्स के थ्रू आ रहा था वो आर्टरीज में भी जाने लग गया, और जो ब्लड आर्टरी से आ रहा था वो ब्लड वेन्स में जाने लग गया। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या हो गया, अभी तक हमने क्या समझा कि आर्टरी और वेन्स एक दूसरे में टेंगल्ड हो रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि टेंगल्ड तो थे चलो कोई दिक्कत नहीं, मगर उनकी जो वॉल्स लाइनिंग वो कमजोर थी, तो जो आर्टरीज की ये वॉल है और ये बगल में वेन्स की वॉल थी तो आपस में एक दूसरे चिपकी हुई थी, वॉल कमजोर होने की वजह से एक दूसरे में क्या एबनॉर्मल कॉन्टेक्ट बन जाता है, और एबनॉर्मल कॉन्टेक्ट का मतलब समझते हो, आर्टरी लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये लेके जाती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो क्या होगा वेन्स आपकी डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जा रही है तो ये एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होने लग जाता है। बोले आर्टरी वाला ब्लड कहीं वेन्स में घुस जाता है, वेन्स वाला आर्टरी में घुस जाता है, अब आप सोच लो क्या होने वाला है, उन्हें जहां ऑक्सीजनेटेड चाहिए ब्लड वहां डीऑक्सीजनेटेड पहुंच रहा है, तो मतलब वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो वो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी ब्रेन के फंक्शंस को, क्योंकि आपको पता है अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो इंफार्क्शन स्टार्ट हो जाएगा और फंक्शंस बिगड़ेंगे। ये थी आपकी आर्टरियो वीनस मालफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ कंजनाइटल वर्ड, क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि ये दो स्टेज एम्बोई कौन सा एम्ब्रोनिक या फीटल डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, तो इट इज अ कंजनाइटल माल फॉर्मेशन, जब भी वर्ड है याद रखो वहां पर आपके एम्ब्रोनिक स्टेज की बात हो रही है क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई है बाय बर्थ। तो कंजनाइटल वेस्कुलर एनोमली इन विच देयर इज एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन आर्टरियल एंड वेनस सिस्टम, आर्टरी और वेन्स के बीच में एबनॉर्मल सिस्टम बन गया, तो मालफॉर्म्ड वेसल डेट रिजन फ्रॉम डेवलपमेंटल अरेस्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो जब आपका एम्ब्रियोजेनेसिस चल रहा था उस टाइम पे ये सब बन रही थी तो एबनॉर्मल एक दूसरे से अरेस्ट हो गया, अरेस्ट यानी चिपक गए, एबनॉर्मली उनकी वॉल एक दूसरे से चिपक गई, तो उसका फिर बाद में क्या मिला, और यही सेम आर्च ऑफ रोटर वेना कावा हार्ट के अंदर होता है कि एक दूसरे का ब्लड लेने लग जाते हैं, तो वही सेम और यही चीज ब्रेन्स की आर्टरी और वेन्स में होने लग जाता है, इसी को बोलते हैं आर्टरोवीनस मालफॉर्मेशन। फीचर्स क्या 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 नजर आएंगे आपको, बोले फीचर्स में हमको फॉर्म टेंगल्ड मास ऑफ ब्लड वेसल्स, फॉर्म टेंगल्ड अभी मैंने बोला कि गुच्छेदार गुच्छा बन जाता है मास ऑफ ब्लड वेसल विद स्मॉल हेमरेज, स्मॉल हेमरेज यहां वर्ड क्यों यूज करा है, क्योंकि मैंने बोला कि उनकी जो लाइनिंग है जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज हैं वेन्स हैं उनकी जो लाइनिंग है वो ऑलरेडी कमजोर है क्योंकि इसलिए दूसरे में चिपक गई, तो थोड़ा बहुत यहां पर ब्लड बाहर निकलता रहता है, उनसे ब्लड बाहर निकलता, और अगर उनसे ब्लड बाहर निकलेगा तो फिर आप समझ लो क्या होगा, अगर उनसे ब्लड बाहर निकलेगा तो फिर क्या होगा वहां पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि वहां पर ब्लड खट्टा होगा, ब्लड क्लॉट बनेगा, और एक बार ब्लड क्लॉट बन गया तो फिर क्या होगा वहां पर वो हेमरेज की कंडीशन कर देगा, प्रॉपर वहां पर क्लॉट बना देगा। ठीक है, और क्या क्या देखें, हेमरेज और एरिया ऑफ थ्रोम्बोसिस, तो समझती है थ्रोम्बोसिस क्या, दो चीजें, एक तो हेमरेज होता है या थ्रोम्बस या क्लॉट बना देगा, हेमरेज होके क्या वो रप्चर हुई वहां पर ब्लड खट्टा हो गया एक जगह पे, और वो फिर फाइनली क्या कर देगा, वो वहां पर जैसे ब्लड खट्टा हुआ, जैसे इस आर्टरी से ब्लड निकला ये ब्लड यहाँ खट्टा होने लग जाए इसको हेमरेज बोल दो, और यही फिर धीरे धीरे करके जम जाएगा और क्लॉट बना देगा तो उसको थ्रोम्बस बोल दोगे आप, वही चीजें हैं घुमा फिरा के। एंड कैल्सिफाइड नोड्यूल्स विद इन द बल्क ऑफ द लीजन, अब ये बहुत प्यारी लाइन लिखी है यहाँ पर क्या कि आपको कैल्सिफाइड नोड्यूल्स भी देखने को मिलते हैं बल्क, जहां पर लीजन है ना उसके बल्क में कैल्सिफाइड नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। व्हाट इज कैल्सिफाइड नोड्यूल्स, कैल्सिफाइड नोड्यूल्स का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्सियम सॉल्ट्स, कैल्सियम सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन होता है। अब यहाँ पर बहुत अगर आप पता करोगे तो ऐसा है कि कैल्सिफिकेशन यहाँ पर कैल्सियम सॉल्ट्स खट्टा होते हैं उसका रीजन अभी भी अननोन है, रीजन नॉट येट अनसर्टेन, मतलब अभी भी अनसर्टेन है, अभी भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी ऐसा माना गया है कि ड्यू टू कंटिन्यूस इस्चेमिक एंड हेमरेज कॉज कैल्सिफिकेशन, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस ब्लड फ्लो आ भी रहा है और वो रुकता भी है, लेकिन ब्लड फ्लो ट्रेवल भी हो रहा है तो ब्लड रुकता भी है जाता भी है रुक रहा भी जा रहा है, उसकी वजह से ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर कैल्सियम सॉल्ट्स खट्टे हो जाते हैं क्योंकि ब्लड में कैल्सियम सॉल्ट्स वगैरह भी ट्रेवल कर रहे हैं तो ब्लड रुकता है तो वहां पर खट्टे हो जाते हैं फिर ब्लड चलना लग जाता है, तो वहां पर ऐसा देखा कि ये कारण बताया गया है, बाकी सर्टेन रीजन अभी भी अननोन है कि क्यों वहां पर कैल्सियम सॉल्ट्स खट्टे होने लग जाते हैं। तो ये आप याद रखना कि अनकैल्सिफाइड नोड्स विद इन द बल्क ऑफ रीजन, क्या रीजन है कि रीजन अभी अननोन है मगर ऐसा माना गया है कि कंटिन्यूस इस्चेमिक और हेमरेज यानी कंटिन्यूस ब्लड रुकता है फिर चलता है रुकता है चलता है उसकी वजह से ऐसा कैल्सिफिकेशन माना गया है। ठीक है,
बोले और क्या देखने को मिलेगा, डायलेटेड आर्टेरियलाइज्ड वेन्स, वो तो डायलेट मिलेंगी क्योंकि ब्लड वेसल्स, जब आपको सीधी सी बात है वेसल्स की, अगर कोई भी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग कमजोर हो जाए तो ऑटोमेटिक वो फेल जाएगी, डायलेट हो जाएगी अगर लाइनिंग कम, क्योंकि हमको पता है कि लाइनिंग के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो लाइनिंग जो सेल्स बनाते हैं, जैसे ये लाइनिंग है ये सेल्स से बनी है, और यही सेल जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पास पास आते हैं, तभी तो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और एकदम अपने टोन मेंटेन करके रखती है। यही सेल्स तो टोन मेंटेन करके रखते हैं वेसल्स की। और अगर यही क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इसकी जो वेसल्स की लाइनिंग है ये वीक पड़ जाएगी तो टोन चली जाएगी, तो वेसल्स कैसी हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी ऑटोमेटिक। प्लस क्या देखिएगा, बोले डिमिनिश्ड ब्लड फ्लो टू सराउंडिंग ब्रेन ड्यू टू स्टिल इफेक्ट। ये बहुत प्यारी चीज लिखी है, बोले ब्लड फ्लो डिमिनिश्ड हो जाएगा कहां पर, जो उस पर्टिकुलर उस स्ट्रक्चर पर, बोले ऐसे समझो ये आर्टरी है, ये ब्रेन के कोई एक पर्टिकुलर पार्ट पर सप्लाई करने वाली है और इसको ये ऑक्सीजन लेके जाएगी ब्लड के थ्रू, मगर क्या होता है ड्यू टू एबनॉर्मल एवीएम ये ब्लड चला जाएगा इधर, जो पास वाली वेन है जिसके साथ एबनॉर्मल कनेक्शन होके रखा है, जिसके साथ एबनॉर्मल ये आर्टरी है जिसके साथ बगल में एबनॉर्मल कनेक्शन होके रखा है वेन्स के साथ, उसमें ये ब्लड चला जाएगा, ये ब्लड उसके अंदर चला जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा, ये ब्लड इसके अंदर अगर इकट्ठा चला गया तो यहां पर जो ब्लड जाना चाहिए था एक पर्टिकुलर कोई पार्ट के लिए, वहां पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा, यानी ये स्टिल इफेक्ट हो गया, यानी जो ब्लड इसके लिए था वो चोरी हो गया, वो कहीं और चला गया, बल्कि वो था इसके लिए मगर एबनॉर्मल एवीएम की वजह से वो ब्लड चोरी हो गया। ऐसे ही बोलते हैं डिमिनिश्ड ब्लड फ्लो टू सराउंडिंग ब्रेन ड्यू टू स्टिल इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया, यानी तीन लाइन है, पम्प टैंकर्ड वाली लाइन समझ आई हमें कि गुच्छे बन जाएंगे इससे ब्लड निकलेगा, फिर थ्रोम्बस भी बन जाएगा और कैल्शियम सॉल्ट का रीजन भी देख लिया, ब्लड वेसल्स डायलेट क्यों करेंगी वो भी हमने समझ लिया, स्टिल इफेक्ट भी समझ लिया। अब एक चीज और प्यारी बोल रहे हैं, बोले यहाँ पर एक चीज और बनने लग जाती है अगर जब कमजोर हो जाती है ये हर ब्लड वेसल, जो उसकी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग कमजोर हुई तो एनिरोमस बनना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज एनिरोमस, एनिरोमस का मतलब होता है इट इज अ फोकल प्रोट्रूजन अराइजिंग फ्रॉम ब्लड वेसल्स वॉल वीकनेस। क्या कि मैं फिर बोलता हूं कि ये ब्लड वेसल्स है, ये इसकी वॉल है, ठीक है, अब इसकी एबनॉर्मल वीकनेस की वजह से इसमें से क्या एबनॉर्मल फोकल प्रोट्रूजन अराइज हो जाता है, मतलब इस तरीके से ये वॉल है और इस तरीके से एबनॉर्मल इस तरीके से प्रोट्रूजन, ये बाहर हिस्सा निकल आता है वेसल्स का, क्यों, क्योंकि क्या रीजन बोला, इट इज अ फोकल प्रोट्रूजन, ये पॉइंट पे है ना, तो इट इज अ फोकल प्रोट्रूजन है ये बाहर निकला हुआ, अराइजिंग फ्रॉम द वेसल्स वॉल ड्यू टू इट्स वीकनेस, वीकनेस की वजह से निकल आता है। अब आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, जब वॉल खुद कमजोर है ऑलरेडी और अगर ये स्ट्रक्चर ये बाहर की तरफ निकाल भी देंगे तो कि जो इसकी ये वॉल होगी क्या ये कमजोर नहीं होगी, ये तो और ज्यादा इससे ज्यादा कमजोर होगी, तो अब जो ब्लड होगा वो ब्लड किस तरीके से ट्रेवल होगा, बोले ये ब्लड जो इसमें ट्रेवल कर रहा है, ये ब्लड जो इसमें ट्रेवल कर रहा है वो इसके अंदर भी जाएगा, और जैसे ही इसके अंदर अगर कभी ज्यादा प्रेशर पड़ा तो ये जो इसकी आउटर वॉल है, इसकी जो आउटर वॉल है ये रप्चर है, ये फट जाएगी, ये कैसी हो जाएगी, ये आपकी रप्चर हो जाएगी, आउटर वॉल है ये आपकी रप्चर इजिली हो जाएगी। इसको इसको तीन टाइप के एनोरोमस होते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्ट मतलब फट जाने वाले एनोरोमस। देखो आपको दिखाऊं, इस तरीके से एनिरोमस बनता है ब्लड वेसल से, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर बन गए, जैसे ही अभी इसकी वॉल तो ऑलरेडी वॉल कमजोर होने की वजह से बनी तो ये कभी भी फट जाते हैं, इसको बोलते हैं सेक्यूलर एनिरोमस, सेक्यूलर SACCULAR SACCULAR इसको बोलते हैं सेक्यूलर। एक और बनता है, बोले एक और कैसा बनता है, बोले अगर दोनों साइड बन जाए, जैसे अगर सपोज ये आपकी इस तरीके से बन जाए, इसको बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म FUSIFOM फ्यूजी फॉर्म, ये रहे देखो तीनों आपको देखने को, ये देखो ये सेक्यूलर है, ये फ्यूजी फॉर्म है, इसमें सेक्यूलर वाला बनता है, ठीक है, फ्यूजी फॉर्म और दूसरी जगह पे भी बनते हैं, और ये बहुत इजीली रप्चर्ड हो जाता है, और आप सपोज करो अगर ये रप्चर्ड हो गया तो एकदम हेमरेज होगा और पर्टिकुलर जिस पार्ट पर ब्लड सप्लाई हो रही थी एकदम रुक जाएगी, तो एकदम उस जगह पे इंफार्क्ट हो जाएगा, यानी एबीएन की कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है, ये क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जो वॉल है वो वीक रह जाती है, इसलिए उसमें से एबनॉर्मल स्ट्रक्चर कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर पड़ने की वजह से वॉल अपना एक स्ट्रक्चर बाहर निकाल लेती है एबनॉर्मल प्रोट्रूड करके। अगर आप देखो तो ये देखो कितना प्यार, ये देखो ये देखने को मिल रहा है अलग ही, ये आर्टरी जा रही है और इस तरीके से प्रोट्रूड कर गए,
ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। एरिडोमस MRI CT स्कैन ब्रेन में देखना आना चाहिए, ठीक है। एक एक चीज जो मैंने अभी आप तक को पढ़ाई है, सिरिंग्स की MRI का अभी मौका पड़ेगा तो सिरिंग्स की MRI दिखाऊंगा, सिरिंगोमीलिया सिरिंग्स बोल रहा हूँ उसकी MRI दिखाऊंगा, ओकल्टा की MRI दिखाऊंगा, ओकल्टा कैसा नजर आता है ना, हाइड्रोसेफेलस MRI, और बाकी तो मैं इधर आपको थोड़ी बहुत दिखाता ही रहता हूँ, बाकी आपको लाइव MRI भी दिखाऊंगा, मतलब जो ओरिजिनल पेशेंट्स के जो मेरे पास आई हैं उनकी MRIs भी दिखाऊंगा कभी। तो सेक्युलर है एन्यूरोमस, ठीक है, वो हमने समझ लिया, ऑक्सिली डेवलप्स ऑन प्रॉक्सिमल वेसल्स, ठीक है। AVMR कॉमनेस्ट इन MCA टेरिटरी, MCA की जो, क्योंकि MCA से ही छोटी छोटी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती हैं और वहां पर ही जैसे कि इंटरकैटेटरी के बाद MCA स्टार्ट हो जाती है, जैसे देखो आपको दिखाऊं सर्कल, अगर सर्कल ऑफ विलिस अगर हम खोलें तो MCA कौन सी, ये रही हमारी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, इनसे छोटी छोटी, तो इनसे यहां से स्टार्ट हो जाए, यहां पर सबसे कॉमनेस्ट माना गया है, ठीक है, ये सब होगा। तो ये हमारे पांचों पॉइंट इसके फीचर्स के बिल्कुल हमें आ जाने चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये हमारा था AVM के लिए। अब हम पढ़ेंगे कैवर्नस मालफॉर्मेशन। व्हाट इज कैवर्नस, कैवर्नस इज अ प्लम कलर्ड, प्लम आपने देखा है प्लम कलर का होता है, सो सॉरी, स्पॉन्ज लाइक, स्पॉन्जी स्पॉन्ज लाइक मास होता है, कंपोस्ट, यानी कैसा प्लम कलर का बोल रहा हूं, स्पॉन्ज लाइक होता है, और ये कैसा होता है, ऑफ कैसा, ऑफ ब्लड फिल्ड स्पेसिस विद नो इंटरवेंटिंग ब्लड टिश्यू, ब्रेन टिश्यू, ये ब्रेन टिश्यू को अपने इन्वॉल्वमेंट में नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ जो ब्लड फिल्ड स्पेसिस यानी छोटी मोटी आर्टरीज है उनका होता है, नो इनलार्जमेंट ऑफ फीडिंग और ड्रेनिंग वेसल्स। मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो कैवर्नस माल, इसके तीन नाम और है, बोले क्या क्या, कैवर्नस मालफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड कैवर्नस एंजियोमा, क्या क्या, कैवर्नस मालफॉर्मेशन को कैवर्नस एंजियोमा भी बोलते हैं, कैवर्नस हीम एंजियोमा भी बोलते हैं, कैवर्नस हीम एंजियोमा, हीम एंजियोमा भी बोलते हैं, क्या कितने नाम हो गए, हीम एंजियोमा भी बोलते हैं, और इसको कैवर्नस वेस्क्यूलर मालफॉर्मेशन, वही नाम है बस घुमा फिरा के, कैवर्नस मालफॉर्मेशन तो कैवर्नस मस्कुलर मालफॉर्मेशन, कैवर्नस एंजियोमा तो कैवर्नस हीम एंजियोमा, ये किसी भी नाम से आता है दो मार्क्स में तो कंफ्यूजन नहीं होना। क्या मतलब होता है इसका, इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन और स्पाइन, जैसे वो भी प्रेजेंट है, इट इज मेड अप ऑफ फ्रजाइल आर्टरीज एंड वेन्स, ये कोई उनसे नहीं बनता कि एक दूसरे में ब्लड जा रहा है, नहीं नहीं, इनमें कोई एक दूसरे का ब्लड नहीं जा रहा, कुछ फ्रजाइल आर्टरी और वेन्स होती है जो बिल्कुल एकदम कमजोर होती है, डेट टेंड्स टू लीक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड एंड कॉन कॉज लार्ज ब्रेन हेमरेज, क्या जैसे सपोज करो ये आर्टरीज जा रही है, ये आर्टरी से कुछ वेन्स भी है, अगर वेन्स भी कमजोर है तो या मे बी कोई एक आर्टरी भी हो सकती है, कोई वेन भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं, अगर वो फ्रजाइल हैं तो उनसे क्या होगा, उनसे ब्लड बाहर निकलने लग जाएगा, अगर आर्टरी है तो आर्टरी का ब्लड बाहर निकलने लग जाएगा, वेन है तो वेन से ब्लड बाहर, और वो ब्लड वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पर खट्टा होने लग जाएगा, उससे होगा क्या, अब यहाँ पर जिस जगह पर खट्टा होगा उस जगह पर तो होना ही हेमरेज है, और पर्टिकुलर अगर यहाँ पर ब्लड खट्टा होगा तो ये जिस पार्ट को सप्लाई करती है वहां पर भी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ये नहीं है कि पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि एवीएम में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही थी, ट्रेवल या दूसरी जगह कर गई थी, इसमें करेगी मगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगी, क्यों, क्योंकि बोले इसमें जो आर्टरी वेंस है वो दूसरी जगह ब्लड नहीं जा रहा, बोले लीक ही हो रही है, वेसल्स लीक ही है, ठीक है, ये ड्रेनिंग वेसल्स वगैरह नहीं है कि एक दूसरे में ड्रेन कर रही है, नहीं, बोले वहीं की वहीं है और वहीं कर देती है, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें। ये था हमारा कैवर्नस मालफॉर्मेशन, ठीक है। अब दूसरा, अब लास्ट वन है हमारा कैपिलरी टेलिंजियोटेसिस, इसका मतलब क्या है, ये होता है, ये एकदम आपको एकदम कैसा लगा, एन एरिया ऑफ डायलेटेड कैपिलरीज लाइक ए स्मॉल, इसमें ना जो कैपिलरीज अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो उसमें कैपिलरीज रप्चर होती थी, इसमें रप्चर नहीं होती, इसमें जो कैपिलरीज है वो डायलेट हो जाती है, उनकी इनमें भी वॉल वीक ही होनी है, तीनों में वॉल तो वीक होनी है, तीनों वॉल के ही कारण है, बोले पहले वाले में वॉक वील हो गई, जो वॉल है वो वीक हो गई, तो बोले आर्टरी वेंस में जा रही है, वेन आर्टरी में ब्लड पहुंचा रहा है, बोले दूसरे में वीक हो गई तो बोले वहीं वहीं ब्लड निकाल रहे हैं, तीसरे वाले में वीक है मगर ब्लड बाहर नहीं निकल रहा, बस कैपिलरी आपको डायलेट दिखती है, और आपको ना एकदम लाइक अ स्मॉल पैचियल पैच ऑन द ब्रेन सरफेस स्पेशली इन द पॉन्स, पॉन्स रीजन में आपको पैचियल पैच दिखेगा, ये क्या होता है पैच, ये रेडनेस, रेड पैच दिखेगा आपको एकदम, जैसे रेडनेस क्या, क्यों, क्योंकि अब आपको पता है कि कोई भी ब्लड वेसल्स है अगर वो डायलेट करेगी तो उसका ब्लड वेसल्स आपको ऐसा ब्लड फ्लो दिखता हुआ दिखेगा, जब आप MRI और इन सब में जब कैपिलरी टेलिंजियोटेसिस की जब आप MRI देखते हैं तो उसमें आपको क्लियर नजर आएगा कि एकदम जैसे कोई डायलेटेड चीज दिख रही है,
इस तरीके से आपको देखेंगे अलग ही डायलेट होती हुई चीजें, कि वहां पर ब्लड वेसल जो दिखनी छोटी छोटी, ये आपको डायलेट अलग ही नजर आएंगे। देखो इसमें देखोगे, इसमें एक गोल दिख रहा है, ये देखो ये वाले पार्ट इस तरीके से, ये छोटी छोटी ब्लड वेसल से एकदम अलग ऐसे आपको डायलेट नजर आएंगे। क्या अलग ये नजर आएंगे, देखो छोटे छोटे पार्ट में दिख रही इस तरीके से, ये डायलेट है, इस तरीके से डायलेशन आपको नजर आएगा एमआरआई में, इस तरीके से दिखेगा किसमें कितना प्यारा दिख रहा है। देखो तरीके से डायलेशन दिख रहा है इनका, ठीक है, डायलेशन एकदम पैच की फॉर्म में एकदम आपको लग रहा है, जब एमआरआई में दिख रहा है लग रहा है तो कोई पैच है, जैसे पैच है। और अगर आपको, और ये कैसे एकदम पैच दिखता है जैसे रेडनेस, क्योंकि ब्लड रेडनेस तो रेड पैच अब एमआरआई में नहीं दिखता, लेकिन इसलिए इसको बोला गया पैचिकल पैच, धब्बे की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा था कैपिलरी, कैपिलरी वाला कैपिलरी टेलियंजियोजेनेसिस, ठीक है, जो भी नाम है यार इसका और कंफ्यूज, ठीक है। फिर अब हमें डीप में पढ़ रहा है आर्ट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन, ये हमें बहुत डीप में पढ़ना है आर्ट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें ना बिल्कुल बिल्कुल समझते चलेंगे, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। बोले आर्ट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन के अभी तक हम सब कुछ दिखाई थी कि उसमें क्या क्या था, उसकी डेफिनेशन देख ली थी, कैसा दिखता है वो भी देख लिए थे, उसमें बहुत सारी फॉर्म टेंगल चीज क्लियर कर ली थी, डायलेट आर्टियर क्लियर कर लिया था, स्टील इफेक्ट देख लिया था, एन्यूरोमस देख लिया था, और ये भी देख लिया था कि कॉमनेस एमसीए टेरिटरी में थी। अब इसमें ये देखा गया है कि जिन लोगों में एबीएम मिलती है एबीएम, उनके 40-60% केसेस में हेमरेज भी मिलता है। और मैंने कहा था उनकी ब्लड वेसल्स वीक रहती हैं। तो अब ये आप बोलोगे सर कि बिल्कुल, क्योंकि वो तो फिर हमने कैवर्नस वाले पढ़ा, कैवर्नस वाले में तो बिल्कुल ही दिखना है, इनके 40-60% केसेस में इनके में भी दिखती है, इनके में भी ब्लड तो जा रहा है आर्टरी वाला वेन वाला आर्टरी में खूब जा रहा है, लेकिन कुछ इतनी वीक भी है कि ब्लड वहीं खट्टा भी होने लग जाता, उसी जगह पे भी खट्टा होने, बाहर उनसे ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से उधर भी देखते। तो 40-60% केसेस के एवीएम के में हेमरेज देखा जाता है, ठीक है। ऑफ्टन विद एन इंट्रा सेरिब्रल और इंट्रा वेंट्रिकल कंपोनेंट, दो पार्ट में, या तो आपको सेरिब्रम के पार्ट में दिख जाएगा या वेंट्रिकल्स, कहीं भी आपको हेमरेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर स्मॉल एवीएम से, छोटे छोटे स्मॉल एवीएम से, दोज विद हाई इंट्रानाइटल प्रेशर एंड दोज ड्रेनिंग एक्सक्लूसिवली टू डीप वेन सेवन इंक्रीज रिस्क ऑफ हेमरेज। इसका मतलब क्या है कि बोले जो छोटी छोटी सी है, जो छोटे छोटे एवीएम्स होते हैं उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड प्रेशर, उनके वो उनके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, वो ड्रेन तो करती है दूसरी जगह, ड्रेनिंग तो है, ड्रेनिंग तो एक्सक्लूसिवली है ही है, मतलब कभी जैसे उनकी जगह तो ड्रेन कर भी रही है और नहीं भी कर रही है, लेकिन उनके जो स्मॉल एवीएम है उनके में हेमरेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि स्मॉल हेमरेज जो लार्ज है उनकी वॉल्स खराब है तो एक दूसरे में ब्लड पहुंचे, लेकिन छोटी छोटी वालों की जो ब्लड वेसल्स है उनके फटने के चांसेस होते हैं। तो जो स्मॉल एवीएम्स होती हैं उनमें हेमरेज के ज्यादा चांस होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज एवीएम वालों में, बस इतना ही लिखा है, ठीक है। तो हेमरेज का हमने क्या पढ़ा कि 40-60% पेशेंट्स में एवीएम के में हेमरेज देखा जाता है, और वहीं अगर हम